हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है इन द डिस्कशन ऑफ टेस्ट नंबर 13 फेज 1B। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन ए, और सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, ओके, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज दे आर आल्सो गिवन, और क्वेश्चन ये कहता है टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 5 जूल, सो इन द रीजन फ्रॉम x1 to x2 हमें कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी 5 जूल है और x1 से x2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी -3 जूल है, तो ये बनेगा -3, तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी दैट विल बी +8 जूल एंड दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर 1। बाय द वे, कई बार तो ऐसा होता है कि ग्राफिकल क्वेश्चन यू थिंक दैट दिस मे बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, पता चला द सॉल्यूशन इज सो सिंपल। मेजॉरिटी ऑफ द केस फिजिक्स में यही होता है दैट वी आर मोर अ विक्टिम ऑफ माइंड सेट। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। अ रोप कैन विदस्टैंड 120% वेट ऑफ अ मंकी दैट ट्राइज टू क्लाइंब अप अलोंग दिस रोप। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी ऑन द रोप सच दैट द रोप डज नॉट ब्रेक। देखो, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्लियरली एम जी द वेट ऑफ द मंकी इज देयर, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए, इसका मतलब जो टेंशन है वो हम टी मैक्स रखेंगे, एंड दैट इज 120% यानी 1.2 mg। भाई इससे ज़्यादा टेंशन हो गई तो क्लियरली रस्सी टूट जाएगी, so the monkey does not want that, है ना? तो in that given case the maximum acceleration will be in this direction, 1.2 mg minus of mg is equals to m multiplied by a, और यही है maximum acceleration which is 0.2 g, g की value 10, multiply it you get 2 m/s², option number 3. Question number 3, a uniform wire of length L and mass M is suspended from the ceiling and a block of mass small m is suspended at the other end. So statement ke mutabik, if I make the figure, there is a rope of mass M, length L, and there is a block of mass M which is hanging here. Cross sectional area, that is A. Aaiye dekhte hain. Tensile stress at any cross section of the wire is 2 mg/a. ये गलत है क्योंकि हर cross section में the weight of the rope included that will change. जैसे कि mid में देखोगे half of the weight of the rope, top में देखोगे complete weight of the rope. Of course ये weight तो आएगा ही, but what I mean to say is that for different segment different weight of the रोप इज इंक्लूडेड, इस कारण से हर क्रॉस सेक्शन में टेंशन की एक ही वैल्यू नहीं होगी। टेंशाइल स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज जीरो, ये तो सरासर गलत है, हर पॉइंट पे टेंशन थोड़ी जीरो है। देयर इज द वेट ऑफ द ब्लॉक, द वेट ऑफ द रोप, जितना भी सेगमेंट आप कंसिडर करोगे। टेंसाइल स्ट्रेस इन द वायर एट अ पॉइंट अटैच टू द सीलिंग, भाई यहां पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम से देखोगे व्हाट वुड बी द टेंशन एट दिस टॉप एंड, ऑफ कोर्स द एंटायर वेट बिलो, तो टेंशन देयर विल बी 2 mg, और स्ट्रेस इज टेंशन पर यूनिट एरिया, तो 2 mg डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। टेंसाइल स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 2 mg, नहीं, ये तो फोर्स है, स्ट्रेस है ही नहीं। ये बात सच है, the force is 2 mg, but stress that has to be divided by area. So option number 3. Question number 4. A traveling wave pulse is given by this, where symbols have their usual meaning. Aap agar dekhoge, first two option is talking about the direction of the wave. Direction of the wave mein hum ye nahi dekhte. Direction of the wave mein hum ye parameter ko dekhte. And the wave is traveling in positive x, क्योंकि t का साइन नेगेटिव है, x का साइन पॉजिटिव है, so when the signs are opposite,
द वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स. बाय द वे ये क्या देता है, वाई गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल. इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 गलत है. अब वेलोसिटी की बात करते हैं. यू नो ऑल यू हैव टू डू इज दैट वाई इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, यहां से मैं 3 कॉमन निकाल लेता हूं, सो दैट विल बी 9. ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा. ये बनेगा x by 3 माइनस ऑफ t का होल स्क्वायर. दरअसल हम इसको इस फॉर्मेट के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं, t प्लस माइनस x by v. तो इन दिस फॉर्मेट द कोफिशिएंट ऑफ t इज 1, राइट. ये माइनस को लेके डोंट वरी अबाउट दैट, यू कैन ऑलवेज थिंक दैट माइनस इज फॉर द डायरेक्शन पार्ट. और जो x का डिनोमिनेटर है दैट इज द वेलोसिटी. तो x का डिनोमिनेटर यहाँ 3 है, दैट मीन्स द वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड. सो ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. 125 आइडेंटिकल एंड नियरली स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग थ्रू एटमोसफेयर विद अ टर्मिनल स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. यानी हर एक ड्रॉप की स्पीड टर्मिनल 2 मीटर पर सेकेंड है. अगर ये ड्रॉप्स कोएलिस करते हैं, यू गॉट टू कैलकुलेट the terminal speed of the bigger drop. सबसे पहली बात, capital R will be small r 125 raised to the power 1 by 3. कॉमन सा फॉर्मूला है कि when multiple spheres coalesce, तो जो बड़ा स्फीयर बनता है उसका रेडियस ये है. सो यू कुड सी दैट द रेडियस इज 5 r. और हम सबको पता है दैट टर्मिनल स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि बाकी पैरामीटर सेम है. डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, एवरीथिंग इज सेम. सीधी सी बात है, अगर रेडियस 5 times हुआ है तो रेडियस स्क्वायर करने पर वेलोसिटी 25 times बनेगी. 25 times द ओरिजिनल वेलोसिटी विच इज 2 meter per second, यानी कि न्यू वेलोसिटी विल बी 50 meter per second. ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 6, there is a graph of potential versus position. और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 1, 2, 3, 4 का जो मैग्नीट्यूड है उसे रैंक करनी है. देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से लेकर 3 के बीच में पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0. सो बिटवीन 2 to 3 उसका नाम हमने E2 कहा है, दैट इज इक्वल्स टू 0. बाकी हियर और हियर पोटेंशियल यूनिफॉर्म रेट से वैरी कर रहा है. सो इन दैट गिवन केस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. चलिए बारी बारी से लिखते हैं. E1 की वैल्यू माइनस, वेल V2 माइनस V1 दैट इज 10 माइनस 0 जो कि 10 बनेगा, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 दैट इज 2, तो ये बना माइनस 5. E2 is already 0 that we have found. E3 is minus. V2 minus of V1 that is 5 by 4 minus 3 that is 1, तो ये बना minus 5. और जी आखिर में E4 that is minus. V2 minus V1 that is minus of 15 divided by the separation that is 1, तो ये आ गया 15. अच्छा बाय द वे, आपको बस मैग्नीट्यूड के बारे में कमेंट करना है. वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, लार्जर स्मॉलर इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड में सबसे बड़ा कौन, E4, उसके बाद E3, E1, राइट. और E3 और E1 की वैल्यू इक्वल है और सबसे लीस्ट वैल्यू इज ऑफ E2. सो 4 ग्रेटर देन 3 equals to 1 greater than 2, मिल गया मुझे ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 7 देखते. द लॉ दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लंजस लॉ. ये तो आपने पढ़ा ही होगा दैट लंजस लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बहुत डिटेल में तो बात नहीं कर सकते, बट यस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, बिल्कुल. जो हीट गिवन है दैट इज पार्शली यूज टू रेज द इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन इन जनरल, राइट. तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. और किरचॉफ सेकेंड लॉ, बेसिकली इन अ गिवन लूप
the energy produced is equals to energy consumed, इसी के तहत किरचॉफ सेकेंड लॉ बनता है. तो ये भी सही है. कहने का मतलब ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 8. अपेरेंट डेप्थ इन टू प्लेन्स नॉर्मल टू ईच अदर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. ट्रू डेप्थ एट दैट प्लेस. आपको याद होगा कोटेंजेंट लॉ. कॉट स्क्वायर डेल्टा इज कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2. भाई ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या है? अपेरेंट डेप्थ्स कहां पर? इन टू नॉर्मल प्लेन्स. और डेल्टा क्या है? द ट्रू डेप्थ. यानी कि दिस हैज बिकम सो सिंपल. कॉट स्क्वायर डेल्टा इज डेल्टा 1 के बदले में 30, कॉट स्क्वायर 30 विल बी 3 और कॉट स्क्वायर 45 विल बी 1. तो ये बना जी 4. यानी कॉट डेल्टा इक्वल्स टू 2. परेशान मत होना. ऑप्शन इज इन टर्म्स ऑफ टैन. वी कैन इजीली कस्टमाइज इट. वेल कॉट डेल्टा 2 है सो टैन डेल्टा इज हाफ. सो डेल्टा इज टैन इनवर्स हाफ. ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 9. अ सेल इज बैलेंस्ड ऑन अ लेंथ ऑफ 150 सेंटीमीटर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर. नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेल. एक काम करते हैं ना, फटाफट एक पोटेंशियोमीटर सर्किट को बनाते. स्कीमेटिक डायग्राम. ये है पोटेंशियोमीटर वायर और ये पोटेंशियोमीटर बैटरी जिसको ड्राइवर सेल भी कहते हैं और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस. तो पहले जब अकेला एक सेल था, सो दिस इज द सिचुएशन. मान लेते दिस इज ई, दिस इज आर. अब जरा ध्यान से देखो. शुरुआत में जो बैलेंसिंग लेंथ है दैट इज 150 सेंटीमीटर. भाई बैलेंसिंग लेंथ में करते क्या है? यहां का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी यहां का पोटेंशियल डिफरेंस. अच्छा, बाय द वे यहां का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे? के मल्टीप्लाइड बाय 150. के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट और ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां के इक्वल. क्योंकि मुझे पता है गैल्वेनोमीटर इज एट नल डिफ्लेक्शन, तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट इज जीरो. और अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जीरो है, इट इज फॉर श्योर द करंट थ्रू द बैटरी इज ऑल्सो जीरो. यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही ईएमएफ के इक्वल है. ये बन गई इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट सिनेरियो. नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द न्यू बैलेंसिंग पॉइंट इज 100 सेंटीमीटर. तो 100 सेंटीमीटर बराबर का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी के मल्टीप्लाइड बाय 100. द पोटेंशियल ग्रेडियंट विल रिमेन सेम. नाउ दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, एक ही बात है. फिलहाल ये बात सच है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जीरो है. बट देन देयर इज अ करंट विच कैन फ्लो अलोंग दिस सर्किट, राइट? सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम, लेट मी फाइंड, विल बी ई डिवाइडेड बाय 5 प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय 5. एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2. Because the potential difference across 5 ohm is across this, is across this. Now, मुझे क्या निकालना था? Internal resistance. All right, let me divide equation 1 by 2. So, if I divide it, that's going to be 3 by 2. That is equals to, that is 5 plus R divided by 5. So, this is 15 equals to 10 plus of 2R. So, I get the value of R as 2.5 ohm, which is in option number 1. Question number 10. Ek velocity time graph diya hai in the form of semicircle and this semicircle has the radius R. Hame calculate karna hai average acceleration from 0 to R. Matlab ye time se ye time tak ka average acceleration chahiye. By the way, average acceleration ka formula kya hai? Final velocity. मतलब इस टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी. भाई अगर सेमी सर्कल है तो ये वैल्यू भी आर के इक्वल होगी. सो फाइनल वेलोसिटी दिस इज आर. इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो. फाइनल टाइम इज आर माइनस जीरो. सीधी सी बात है,
1 meter per second square.